बाज से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। ईगल यानी बाज को उसकी ताकत, सजगता और उड़ान की ऊंचाई की वजह से हमेशा से ही पक्षियों का राजा माना जाता है। दुनिया भर में बाज की 60 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। बाज एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी है जो लगभग 6 किलो वजन आसमान में लेकर उड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बाज मांसाहारी होते हैं और उनके शिकार में मछली, खरगोश, गिलहरी, चूहे कम रफ्तार में उड़ने वाले पक्षी, यहाँ तक कि लोमड़ी व हिरण भी शामिल हैं। बाज बार बार एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित नहीं होते हैं। वे अपनी पूरी उम्र एक जगह पर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन भोजन की कमी होने की स्थिति में वे अपना स्थान भी बदल देते हैं। बाज के घोंसले आकार में बड़े होते हैं, जिनका व्यास लगभग 5 से 6 फीट और 2 से 4 फीट लंबा हो सकता है। यदि पेड़ मजबूत है तो वे एक ही घोंसले में रहना पसंद करते हैं और वह एक ही घोंसले का बार बार इस्तेमाल करते हैं और हर नए साल नई सामग्री को एकत्रित करके नया घोंसला बना लेते हैं, इसलिए कुछ घोंसले अधिक भारी भी होते हैं। मादा बाज 1 से 3 सफेद अंडे देती है, जिसे वह 35 दिनों तक सेती है। इस दौरान नर बाज की जिम्मेदारी होती है कि वह अन्य सामान और खाने की सामग्री को एकत्रित करे। ईगल यानी कि बाज के बच्चे बहुत ही तेजी से विकसित होते हैं और जन्म के 6 सप्ताह में ही इनका वजन 3 से 4 किलो हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इनकी नजर बहुत तेज होती है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि इनकी गर्दन 270 डिग्री तक घूम सकती है। इसके अलावा इनकी आंखें एक बार में लगभग 2 बिंदुओं पर फोकस कर सकती हैं। इससे उन्हें आगे और साइड का देखने की एक साथ क्षमता मिलती है। नर बाज का वजन मादा बाज के मुकाबले 25% कम होता है। बहुत कम लोगों को पता है कि बाज पानी में तैर भी सकते हैं। एक बार जब वे पानी में उतर जाते हैं तो वे तब तक उड़ नहीं सकते जब तक कि वे पानी से बाहर नहीं आ जाते। शिकार के समय बाज 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से झपट्टा मार सकते हैं, जबकि इनकी नियमित उड़ान की रफ्तार 30 मील प्रति घंटे तक होती है। 1970 के दशक के दौरान बाज लगभग लुप्त हो गए थे, इसके बाद से उन्होंने एक उल्लेखनीय वापसी की है। वैसे तो एक बाज की औसत उम्र 20 साल होती है, लेकिन है 70 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं, जो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं और ये अल्ट्रावायलेट रेज को भी देखने में सक्षम है। हिंदू पौराणिक कथाओं या विद्वानों के अनुसार बाज को भगवान विष्णु का सवारी माना गया है। आसमान पर बाज पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। यह आकाश में 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। आपने इन्हें अपने बिना पंख हिलाए हुए भी मड़राते हुए देखा होगा। यह आसमान में काफी देर तक बिना पंख हिलाए भी उड़ सकते हैं। अरब देशों में बाज को पालना एक शान की बात है और यूएई देश का राष्ट्रीय पक्षी भी बाज ही है। बाज की आवाज बहुत तेज होती है और इसे बहुत दूर तक सुना जा सकता है। नर बाज की तुलना में मादा बाज अधिक शक्तिशाली होती है। बाज आसमान में उड़ते हुए लगभग 7 से 8 घंटे तक हवा में रह सकता है। जंगल में एक बाज का जीवन काल लगभग 20 से 30 वर्ष ही होता है। वहीं पालतू बाज लगभग 50 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। बाज की आंखों का वजन उसके दिमाग के वजन से भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों, बाज के बारे में रोचक तथ्य, रोचक फैक्ट आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसका आपको दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।